हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है कल की, आपकी कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्या गंगाधरी शक्तिमान है, इन सब बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने कल कहा था, मैं तो रोज ही कहता हूँ सुनते ही नहीं हो, हद हो गई यार, ये भी कोई बात होती है, लाडले सुनते ही नहीं है। देखो निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट के बारे में मैंने कल कहा था कि यहाँ बना हुआ है एक उदयपुर का पिज्जा। ठीक है, तो क्या बना हुआ है, एक उदयपुर का पिज्जा। पिज्जा विज्जा तो सबको पसंद होगा ना, जबरदस्त तरीके से है कि नहीं। मैं नहीं खाता, बताऊं आपको, ये पिज्जा पिज्जा बोलता हूं तो आप लोगों को लगता होगा कि मुझे पसंद, ज्यादा पसंद है। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक ही बार पिज्जा खाया है, और जो आप लोग ये फास्ट फूड वगैरह खाते रहते हो ना, मैं नहीं खाता। मैंने मेरी लाइफ में मैगी भी एक ही बार खाई है। ठीक, तो ये नाम आपके लिए है ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके फेवरेट है। आप लोगों को ज्यादा इस तरीके के फास्ट फूड पसंद आते हैं ना, इटालियन फूड हुए, तो इसलिए मैं ऐसे सेटअप का नाम रखता रहता हूँ। ठीक, तो ये हमारा एक सीन था जो देखने को मिला। बाकी भविष्यवाणी कल ही कर दी गई थी कि आज के मार्केट के अंदर आपको कुछ ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी। कल हम बात कर रहे थे 80% वीडियो के अंदर बायर और सेलर किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको समझ में आ गई होगी एक चीज तो, कि बायर और सेलर किस तरीके से वर्क करते हैं। और आप लोग कहते रहते हो, जैसे कि कल के वीडियो को जिसने भी सुना वो आज अचंभित हो रहा है कि एक दिन पहले ये कहना कैसे संभव है, कल मार्केट के अंदर कुछ नहीं होगा, कल मार्केट इसी तरीके से रेंज में रहेगा। मॉर्निंग में 11 बजे तक लोगों को भरोसा था कि मार्केट कुछ करेगा, कुछ अपसाइड या कुछ डाउनसाइड बड़ा कुछ करेगा। लोगों के मैसेज आ रहे थे, देव सर आज आप फेल होने वाले हो। मैंने उनसे कहा, मैं क्यों, तो कह रहे थे कि सर अभी मैं उनके मैसेज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि नाम दिखता है लाडलों का, और लाडलों का नाम दिखता है तो देव का नाम खराब होता है, वो भी तो अपने ही है। ठीक, तो फिर मैंने पूछा, मैं भाई क्या हो गया, बोले देव सर आज आपका सेटअप फेल होने वाला है। मैं कोई बात नहीं, सेटअप ही तो है, मार्केट फेल भी हो सकता है, कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है, बट ये देव का सेटअप है, ऐसे कैसे फेल हो जाएगा साला। तो देव के सेटअप जो बनते हैं वो उसके पीछे एजुकेशन होती है, उसके पीछे होती है बायर और सेलर किसकी सोच, कि सेलर क्या सोच रहा है, बायर क्या चाहता है, इन दोनों का मिक्सचर, कि ये दोनों क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेटअप बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनती है, उसके अकॉर्डिंग पैसा बनता है मार्केट के अंदर, क्योंकि ये जिस तरीके से वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका मार्केट चलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका मार्केट मूवमेंट देगा, मार्केट चलेगा। तो सेटअप से पैसा बनता है, ध्यान रखना। जिंदगी में अगर कोई कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसा है, और वो आपसे ये कह रहा है कि कॉल और पुट के अंदर पैसा बनता है, तो ये ध्यान रखना, जाल के अंदर फंस रहे हो। पैसा इधर नहीं बनता है, पैसा सेटअप पे बनता है। एक परफेक्ट सेटअप होगा, उसके ऊपर वर्क होगा तो पैसा देखने को मिलेगा, और सेटअप बनते हैं एजुकेशन से। ठीक, कई चीजें मैं रोज आपको निरंतर कहता रहता हूं, कई लोगों को तो ये लगता है कि कोर्स बेचने के लिए कहता है ना, जी नहीं, ये देव की एजुकेशन है, ये देव की एजुकेशन है, जो मैं आपको 24 घंटे पहले ये कहता हूं कि ये होगा और ये नहीं होगा और आज ऐसे होगा, ये एजुकेशन के दम पे बोलता हूं, देव नहीं बोलता, एजुकेशन बोलती है। देव नहीं बोलता, एजुकेशन बोलती है, क्योंकि आपकी एजुकेशन का स्तर टॉप लेवल का होना चाहिए तब जाकर के ऐसी बातें निकलती है, वरना ये जो सोशल मीडिया लाइफ है ना, ये जो यूट्यूब है, यहाँ पर बोलने के लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि आपकी 10 बातें सही निकली कोई दिक्कत नहीं, बट गलती से एक बार आप गलत निकल गए
ध्यान रखना, इधर वो कमेंट की झड़ी लगेगी नीचे की तरफ, और पता है कैसे कैसे वर्ड होंगे। तो ये दुनिया है जी, ये दुनिया है, ऐसे ही चलती है। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर यही मामले हैं कि आप 10 बार सही हो जाओ, एक बार आप गलत हो गए तो दिखाओ, फिर आपको दुनिया असली चेहरा दिखाएगी। तो हालांकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है और आगे भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, देव नहीं बोलता है, एजुकेशन बोलती है, लट बोलता है, वो भी देसी। तो साला गलत कैसे हो जाएगा। अब तो बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी के ऊपर कि कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी किस तरीके से वर्क कर सकती है। तो आज की क्लोजिंग मार्केट के अंदर जैसा हमने चाहा वैसी हो चुकी है, तो कल क्या हो सकता है, ठीक है, कल के ऊपर बात कर लेते हैं। लेवल नोट कीजिए डाउन साइड की तरफ, इस लो का ध्यान रखना है, इस लो का ध्यान रखना है। लो कितना है, 49,000। हम डाउन साइड की तरफ कंफर्म कब होंगे, केवल और केवल 48,912 के नीचे मार्केट क्लोज करेगा, तो सोचेंगे कि मार्केट अब यहां से डाउन साइड की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। वरना हाल फिलहाल मैं जो सोच रहा हूं वो मैं ये सोच रहा हूं कि मार्केट एक बार यहां पर आए, आने के बाद एक नीचे की तरफ विग बनाए। कैसी विग, कुछ इस टाइप के विग बनाए, और अगर वापस मार्केट कवर हो करके इसके ऊपर, कौन सा लेवल, 49,000 के लेवल के ऊपर जाके सस्टेन होता है, तो उसके बाद की कहानी सुनो। अगर ऐसा होता है, हम प्लान कर रहे हैं, अब हमें पता नहीं ऐसा देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट सुनो, मार्केट नीचे की तरफ आए, आने के बाद मार्केट वापस 49,000 के ऊपर सस्टेन हो और अपसाइड की तरफ 49,099, कौन सा 99 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो लेवल सुनो इसके बाद में, ठीक है। 49,099 इसके बाद के मामले सुनो, 49,180, 49,308, ठीक है, और इसके बाद में 49,565, ये हमें टारगेट इस तरीके के देखने को मिल सकते हैं। बट कब देखने को मिलेंगे, गौर से सुनना, पहले एक बार गौर से सुन लेना, उसके बाद में कंफ्यूज मत होना, ये एक इम्पोर्टेंट आपका सपोर्ट है। मैं ये चाहता हूं इंट्रा डे के दौरान मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहां पर पेशेंस रखना है, भाग करके इसको शॉर्ट मत कर देना, भाग कर इसको बाय मत कर लेना, यहां पर पेशेंस रखना है कि मार्केट क्या करता है, ठीक है। या तो मार्केट इस तरीके की एक कैंडल बनाए, वापिस मार्केट नीचे की तरफ आए, कहां तक आ सकता है, 48,880, 48,840, ठीक है, ये लास्ट लेवल होगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है फिर, ठीक है, फिर हम बाय करने के बारे में प्लान नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे कि मार्केट अब यहां से अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में मार्केट के अंदर 200 पॉइंट का फॉल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। गौर से सुनना, गौर से समझना, क्योंकि अब मार्केट के अंदर जो मार्केट की जो वॉलिटिलिटी है वो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। आप तो बस इस सेटअप का ध्यान रखना, मैं चाहता हूं मार्केट यहां पर इस लेवल को इंट्राडे के दौरान तोड़े, तोड़ने के बाद ऐसे विग बनाए, विग बनाने के बाद कंफर्म कब होंगे कि मार्केट अगेन 49,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए, अगेन मार्केट 49,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए। लेवल कौन सा ध्यान रखना है, 49,099 का, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट का जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है आपका ये वाला जो लेवल है 49,550 प्लस, और एक फायर मूवमेंट कहाँ रखी है, वो रखी है 49,000, नहीं बताऊंगा अभी, कल बात करेंगे उस पे टेलीग्राम पे बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर लाडले हैं, फिर वहीं जाके बैठेंगे 49,500 की कॉल, 49,600 की कॉल। मेरे वीडियो बनाने के मतलब मकसद ये है, और मैं खुद ये चाहता हूं कि इस दलदल के अंदर कम से कम लोग फंसे। आप कई यूट्यूबर्स को देखते होंगे जो आप लोगों को ये राय देते हैं कि ये कॉल अच्छी हो सकती है, ये पुट अच्छी हो सकती है, मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, डाउन साइड की तरफ आ सकता है, एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है। बट मैं 3 दिन से आप लोगों को एक चीज कह रहा हूं, केवल एक चीज कह रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहो। कारण क्या है, केवल इतना चाहता हूं कि आप लॉस ना करें बस, क्योंकि ये मार्केट हर रोज चलता है, हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं रहेंगे तब भी होगा, हर रोज चलता है, और हर रोज चलने वाला सिस्टम क्या, उसे क्या कहते हैं, बिजनेस।
ठीक है। और जो साल, 6 महीने, महीने, 2 महीने के, 15 दिन, 10 दिन में चले, उसे कहते हैं जुआ। तो जुआ मत खेलिए, इंतजार कर लेंगे, एक सेटअप का इंतजार कर लेंगे, सेटअप बनेगा, उसके ऊपर काम करेंगे, तब जाकर के कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर जुआ खेलेंगे, वो तो चल ही रहा है, वो तो आपको सेबी भी कहती है कि 100 में से 90 तो कुएं के पिंदे में जाते हैं, बाकी 10 है जो भी तैर रहे हैं, इनका भी अता पता नहीं है। ठीक, तो ये वाले सीन है। देखो ये मार्केट उसी तरीके से है कि वो सिगरेट का पैकेट नहीं होता, उसके ऊपर लिखा होता है अगर आप इसको पियोगे तो आपको दर्दनाक मौत मिलेगी, फिर भी लोग पीते हैं, फिर भी लोग पीते हैं। और सबसे ज्यादा टैक्स टोबैको पे, जो तंबाकू के प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर हैवी वेट लगे हुए, 30%, 35%, जो वाइन वगैरह होते हैं इनके ऊपर भी सबसे ज्यादा वेट लगा रहता है। पहले सेंट्रल GST लगेगा, वेट लगेगा, फिर आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसका टैक्स लगेगा। जो चीज 50 की होनी चाहिए उसे 150 में बेचा जाता है। लाडले समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता रियली, मैं केवल टैक्स के बारे में समझा रहा हूं। ठीक है, तो वो ऐसे क्यों बेची जाती, क्योंकि हैवी वेटेज टैक्स वगैरह लगाया जाता है, फिर भी लोग लेते हैं, क्यों? क्योंकि आनंद आता है। ऐसे तो कौन खाता पीता है, कुछ ना कुछ मजा तो आता होगा। और इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी लोगों को मजा आता है, रियली फैक्ट। मैंने जितना समझा है, जितना मैंने सोचा है, उससे मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया कि लोगों को लत लगी है, एक तरीके की लत। तो लत तो बुरी है, देखो खाना भी खाओगे ना, और वो भी लिमिट से ज्यादा खाओगे, पानी भी आप लिमिट से ज्यादा पियोगे दिक्कत करेगा जी। लिमिट में सब कुछ सही है, लिमिट के लिमिट क्रॉस करोगे लिमिट को तो वो बुरी है चीज, कुछ भी ले लो आप, तो वो वाली चीजें हैं, लिमिट में रहिए। लत है तो लत को कम कीजिए, लत छोड़ी जा सकती है, लत छोड़ी जा सकती है। कैसे छोड़ी जा सकती है? आप अब तक जो कर रहे हो कॉल पुट, उसे करना बंद कर दीजिए। आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए ना काम करने के लिए, कि मेरे पास एक रीजन होगा उसके ऊपर काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एक वैलिड रीजन खड़ा कर लो, बस एक वैलिड रीजन मैं आपको इतना सा दे देता हूं, केवल इतना सा सुनो, केवल इतना सा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, अगर आपको रियली में अगर मार्केट के अंदर कुछ उखाड़ना है, तो केवल इतना सुनो, केवल इतना सोच लो कि आज की कैंडल, कल इस कैंडल का अप और डाउन ब्रेक होगा तब काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, किसी का बाप मुझे काम नहीं करवा सकता। ये कर लो, तुम गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं 22 दिन के अंदर से 13 दिन प्लस में रहोगे, 13 दिन प्लस में रहोगे। चार्ट चेक करा दूं क्या? कर लो, कर लो। आज जैसे ब्रेक नहीं हुआ, ना अप ब्रेक हुआ, ना डाउन ब्रेक हुआ, तो ट्रेड नहीं बनती, ट्रेड नहीं करोगे, लॉस में नहीं रहोगे। ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, इससे पहले एक कैंडल बनी थी, इसका हाई ब्रेक होगा सीधा मूवमेंट, ठीक है। इस कैंडल का ये हाई ब्रेक हुआ सीधी मूवमेंट, सोच के तो देखो, करके तो देखो, अरे करके तो देखो। और कैंडल बताऊं क्या? डे की कैंडल की बात कर रहा हूं। यहां से शुरू करते हैं। ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तब जाके एक मूवमेंट बनी, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ एक मूवमेंट बनी। ये कैंडल, इस पे तो प्रॉफिट बनते ही नहीं है, क्योंकि ये इस कैंडल के अंदर है, तो यहाँ ट्रेड नहीं बनती, उस दिन ट्रेड नहीं लोगे। इतना सा कर लो, लड़ लो। ये कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ, एक मूवमेंट बनी, ये कैंडल तो नीचे ओपन हुई है, इसका ये कैंडल बनी, इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक हुआ मूवमेंट बनी। ये कैंडल है, इस पे तो काम ही नहीं बनता, क्योंकि मार्केट क्लोज नहीं कर रहा, मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा। ये एक वैलिड रीजन, केवल एक वैलिड रीजन। एजुकेशन बांटता है देव वीडियो के ऊपर, और चौड़े में जी, चौड़े में। पर एक्चुअल में ये जो साला जो पेशेंस वाला कीड़ा है ना, ये है ना, ऐसा घुसा हुआ है। मैं इतने दिनों से कुरेद कुरेद के निकालने की कोशिश करता हूं, साला निकलता नहीं है। अब बताओ क्या करे, ग्रिस डाल दूं?
तो ये है, मैं ये कहता हूं एक वैलिड रीजन खड़ा कर लो, केवल एक वैलिड और कुछ नहीं। बाढ़ में गए सेटअप, बाढ़ में गई दुनियादारी, ये मैं बता रहा हूं ना, 13 दिन प्रॉफिट में रहोगे। कारण कैसे रहोगे 13 दिन, अब बताओ कारण कैसे। 22 दिन में से 5 दिन तो ट्रेड ही नहीं करोगे, 22 दिन में से 5 दिन तो ट्रेड ही नहीं करोगे। कैसे नहीं करोगे, क्योंकि इस तरीके के मामले रहेंगे, देखो 1 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है, 5 ठीक है, कितने से मई से बता रहा हूं, 5 दिन तो यहीं तक आ गए, हो गए ना महीने के अंदर 5 दिन तो ट्रेड ही नहीं करोगे। अब ट्रेड बंद कितने दिन रही है, 1 दिन, गौर से सुनना, ये दूसरे दिन ठीक है, और ये तीसरे दिन ठीक है, और ये चौथे दिन ठीक है, और फिर मार्केट उलझ गया उसी रेंज में, फिर इसका ब्रेकआउट 5वें दिन, इसका ब्रेकआउट 6ठे दिन ठीक है, और इसका ब्रेकआउट 7वें दिन, इसका ब्रेकआउट 8वें दिन, महीने के अंदर ट्रेड ही तुम आउट कर रहे हो, तो फिर लॉस में कैसे रहोगे, लॉस में कैसे रहोगे। खुद जाकर के एक बार चार्ट के ऊपर ये देखना, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपने हाई को और लो को कितने बार ब्रेक किया है, और कितनी बार कैंडल अपनी कैंडल के बीच में क्लोज हुई है। जिस दिन कैंडल कैंडल के बीच में क्लोज होगी, आप वेट करते रह जाओगे कि हाई ब्रेक होगा तब ट्रेड लूंगा, लो ब्रेक होगा तब ट्रेड लूंगा। एक वैलिड रीजन खड़ा कर लो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की स्टोरी मैं बता दूं आपको। पर एक्चुअल में ये उसी तरीके से मैं बोल रहा हूं जिस तरीके से वो सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना कि मत पी मर जाएगा, पर उसे पीना है, उसे पीना है, उसे पता है इससे कैंसर होगा, इससे साले ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पर क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जिस तरीके से उस सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है ना कि मत पी, उसी तरीके से मैं भी वीडियो के ऊपर भोगता रहता हूं, मत लो लाडलो, मत करो ओवर ट्रेडिंग, मत करो, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूं। ये जितनी चीजें मैं आपको बताता हूं, ये कोई मुझे बताता थोड़ी है, एक्चुअल में ये चीजें मैंने महसूस की है, इन चीजों से मैंने सीखा है, इन चीजों के अंदर मैंने लॉस किए हैं। बट एक चीज सुनो, मैंने इन चीजों में पहले लॉस किए काफी, उन चीजों से मैंने सीखा ठीक है। और एक अच्छी कहावत ये सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो, अब कई लाडले सोच रहे होंगे ये फिर ज्ञान फैलने लग गया। एक्चुअल में मैं कभी बोलता हूं आप लोगों को कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, बोला है कभी शेयर करो, नहीं बोलता ना। तो जिसको देखना है वो देखो, नहीं देखना मत देखो, वीडियो तो ऐसे ही बनेंगे, एजुकेशन मैं बोलता हूं बट उसे बकवास समझा करो ठीक है। अब चलने तो बकवास, मैं बोलता हूं गलतियों, अगर आप अपनी गलतियों से सीखने लगे तो भाई साहब बूढ़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। क्योंकि इंसान की उम्र पहले 100 वर्ष थी, अब साली 60 ही रह गई है, और अब तो 40-45 में लुढ़कने लग गए, छाती पकड़ गए ऐसे ऊपर नीचे होके। क्यों? क्योंकि इस भाग दौड़ भरी जीवन के अंदर डिप्रेशन में जीते हैं लोग। पहले लोग जिया करते थे, आजकल के तो साले बच्चे डिप्रेशन में जी रहे हैं। हमारी कॉलोनी का एक छोटा सा बच्चा है, कितने साल का है, 15-1 साल का। मैंने उससे पूछा, छत के ऊपर बैठा था कल रात को, मैं भी उसके बगल में, मेरी छत पे जाके खड़ा हो गया, वो उसकी छत पे जाके खड़ा हो गया। मैंने पूछा, मैं और छोटू क्या हालचाल, तो बुरा सा मुंह बना लिया, कुछ बोला नहीं। तो मैंने उससे पूछा, मैं इधर आ तो सही क्या बात है, फिर मैंने पूछा, मैं बता गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड। अरे भैया मूड मत खराब करो, मैं क्या बात हुई, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा हूँ। मैं उसका सुना, उसके बाद में मेरे को आ गई हंसी, मैं बात क्या हुई। फिर मैं उससे थोड़ी सी फ्रेंड के तरीके से मैंने बात की, मैं मेरे को बताया यार तू, हालांकि मेरे को, मैं जहाँ रहता हूँ वह मुझे एज ट्रेडर कोई नहीं जानता है, सबको एक चीज पता है, मैं कंप्यूटर मैकेनिक हूँ और मैं जॉब करता हूँ, मुझे 25,000 रुपये मिलते हैं महीने के, इसमें से 18,000 रुपये घर का खर्चा है, बाकी के 7,000 रुपये मुझे भी जेब खर्चे के लिए चाहिए। तो इसमें दो समस्याएं खत्म हो जाती है, कोई आपसे पैसा नहीं मांगता है ठीक है, तो सब कुछ समस्या यहीं सॉल्व हो जाती ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, मैं बता तो सही, तो वो कह रहा है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी वो किसी और से बात करने लगती, तो मैं इसलिए कह रहा हूं
रियलिटी है, पहले इंसान डिप्रेशन में रहा करते थे, आजकल के बच्चे साले डिप्रेशन में रह रहे हैं, तो इस वजह से लोगों की एज कम होती जा रही है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना चालू करोगे तो बूढ़े हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, नहीं सीख पाओगे। आपको सीखना कैसे, आप किसी और की गलतियों से सीख सकते हो, एक्चुअल में आप किसी और की गलतियों से सीख सकते हो। घर में अगर बुजुर्ग है, बैठो उनके पास 10 मिनट 20 मिनट बैठो, आप आपको वो एजुकेशन मिलेगी लाइफ की जो आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उस लाइफ को जिया है, तजुर्बा है उनके पास, उन्होंने उस लाइफ को जिया है। आप जियोगे, आप जी नहीं पाओगे। आप अगर उस लाइफ को जीने की कोशिश करोगे तो जिस तरीके से, आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि अब वैसे वाला धैर्य नहीं रहा, वैसे वाला धैर्य नहीं रहा, क्योंकि अब हमें 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन खाना चाहिए। हम इंतजार नहीं कर सकते 2 घंटे का, हम वेट नहीं कर सकते 3 घंटे का, हमें 10 मिनट के अंदर पिज्जा बर्गर फलाना डिमका जोमेटो ये टोमेटो ये सब चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास का जिस तरीके का वातावरण है तो इस तरीके का हो चुका है। भागम भाग, साला हल्की सी बारिश पड़ी नहीं तो पकोड़े याद आते हैं, हल्की सी गर्मी पड़ी नहीं तो आइसक्रीम याद आती है। क्यों? क्योंकि लाइफ काफी जबरदस्त तरीके से, तो ये सब कुछ देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है, तो यही है। क्योंकि आज का इंसान उतना स्ट्रांग नहीं रहा, आज का इंसान उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना होना चाहिए। अब मैं यहाँ साला बात मार्केट के करने लगता हूँ, अपनी फिलोसफी देने लगता हूँ, बकवास करने लगता हूँ, कहूँ तो कहूँ क्या। अब बात सुनो, बैंक निफ्टी की 2 लेवल नोट करके रखो, 49,550 अपसाइड के लिए, डाउनसाइड की तरफ 48,840। मार्केट कहाँ खड़ा है? 49,150। इससे पहले का एक लेवल सुनो, 49,442, ठीक है। इससे लेकर के इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होकर के जिस तरह ब्रेकआउट करे, पहली बात तो इसके अंदर अगर रहता है, टाइम पास करता है, मैं तो फिर ये चाहता हूँ कि कल भी मार्केट यहाँ टाइम पास करे, बट ऐसा होगा नहीं, टाइम पास करेगा नहीं, मुझे पता है कि कूदेगा, तो इसको कूदाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर यह मिले, इसके बाद में जो लेवल ब्रेक हो जाए, एक कंफर्म हमें अच्छी खासी 180 से लेकर के 250 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी, ठीक। बैंक निफ्टी की बात हो गई, और बात करें 15 मिनट के सेटअप पर, आप कहते रहते हो 15 मिनट पर तो सिखाया नहीं, लो 15 मिनट पे बात कर लेते हैं। लेवल मैंने दे दिए हैं, फिर भी आप 15 मिनट की जो कहानी है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। सुनो सुनो गुरु से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे कौन, कौन होंगे, हम होंगे और कौन होंगे, दूसरे का नाम क्यों लेंगे हम, हद हो गई। देखो अपनी तारीफ खुद किया करो, साला इस दुनिया में कोई किसी की करना ही पसंद नहीं करता। तो ये 2 लेवल है, कल मैं चाहता हूं मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो, नीचे की तरफ 49,000 का एक सपोर्ट साइकोलॉजिक, ऊपर की तरफ 49,400, दोनों लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। अगर मार्केट इसके अंदर ओपन होकर के पहले नीचे की तरफ ब्रेक करके वापस कवर करके अपसाइड की तरफ आता है, तो फिर 49,400 कन्फर्म मान लेना, मैं मान लूंगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक। 15 मिनट के ऊपर बात हो गई, फिर सेकेंड टारगेट हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंड टारगेट हमें देखने को मिल सकता है ये वाला 49,600 के करीब का, और थर्ड टारगेट वो हो सकता है जो पता नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बट हमारे पास टारगेट होने चाहिए, वो होगा आपका 49,800 के करीब का, ठीक। मार्केट कल क्या करता है वो देखने वाली बात है, बट हमारा जो कल का आपको मैंने उदयपुर का पिज्जा बताया था, वो पिज्जा मैंने बना के लगा रखा है, और इस पिज्जे की जो जबरदस्त कहानी है वो आपको देखने को मिलेगी 15 मिनट के ऊपर। तो यही पिज्जा वर्क करने वाला है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाने का, यही पिज्जा वर्क करने वाला है और कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है। तो इस पिज्जे को लगा कर रखिए, अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा, जो नीचे की तरफ डाउन साइड का इसको सोर्ट करेंगे, केवल और केवल 22,765 के नीचे,
अगर नीचे की तरफ ब्रेक भी करता है तो मार्केट यहाँ 22,765 22,750 तक नीचे की तरफ आ सकता है जो एक सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है 15 मिनट की कैंडल अगर डाउन साइड की तरफ क्लोज करता है तो मार्केट फिर हमें 100 पॉइंट के मूवमेंट दे सकता है 22,624 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। बट मुझे अगर पर्सनल निफ्टी अगर 22,750 के आसपास मिलती है तो मैं मार्केट को यहाँ से बाय करना पसंद करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 22,710 या 15 के आसपास का। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अपसाइड की तरफ अगर मार्केट अगेन इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा लेवल कौन सा होगा, वो लेवल होगा आपका ये वाला, इस लेवल को पकड़ के चलना। कौन सा लेवल है? 23,023 का लेवल अगेन वर्क करने वाला है। ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है फिर मार्केट हमें वापिस अगेन जा सकता है 23,100 उसके बाद में 23,140-50 के आसपास। और इसके ब्रेकआउट के बाद देखने वाली बात होगी, एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात हो गई, अब सुनो सेटअप। हम दो दिन से देव ट्रेडिंग फैमिली, देव स्टॉक लर्निंग ग्रुप, ये सब हम वर्क कर रहे हैं स्टॉक के ऊपर, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, यही चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी जो अपना क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इसका लॉजिक, इसका सब कुछ सेटअप वगैरह समझा रखा, सब कुछ कंप्लीट तरीके से मैंने आप लोगों को समझा रखा है। वापिस बता देता हूँ, चार्ट मैंने कब आपको सेंड किया था, कब मैंने आपको चार्ट बताया था। मैसेज कहाँ चले जाते हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, मैं ही डालता हूँ, मैं ही भूल जाता हूँ। ये देखो ये वाला था, ठीक है, ये वाला चार्ट था हमारा। और इसके अंदर मैंने आपको कह रखा है कि जब भी इसके ऊपर की वनडे की क्लोजिंग होगी के बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और जो ऐप के ऊपर मैंने इसके ऊपर इसके टारगेट, इसके स्टॉप लॉस, इसके एंट्री, सब कुछ के ऊपर मैंने जबरदस्त वीडियो बना रखा, उसके अंदर 3-4 ऐप आपके स्टॉक्स है इस मंथली एक्सपायरी के, कि हम उनके अंदर इस जो सेटअप उसके अंदर बने हुए हैं उसके अंदर हमें टारगेट कितने देखने को मिलेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टारगेट हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो ये था इसका ब्रेकआउट लेवल था 482। इसके बाद में जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को हमने जो निकाला था आज से 3 दिन पहले निकाला था, वो आज हमें देखने को मिला है, वो था 1516। और फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव होता है। बात करें चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बैटरी का चार्ट, ठीक है। तो ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, फ्लैग पैटर्न के ऊपर किसी भी तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर रही, किसी भी तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर रही थी। कल मार्केट के अंदर एक कैंडल क्लोज करती है, कल से ही हमने ट्रेड होल्ड कर रखी थी, और आज भी कल भी हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी। और आज उसके बाद में मार्केट हमारा जाता है 517+। तो एजुकेशन वर्क करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सेटअप के लिए आपको कितने दिन इंतजार करना पड़ता है, पहले ये तो देखिए सेटअप बन कहां से रहा है। ये वन डे का चार्ट है, एक एक कैंडल एक एक दिन की है, साला 50 दिन हो गया एक सेटअप को देखते हुए। बट आपको लगता होगा कि 50 दिन वेट कौन करेगा, जी नहीं, 22 सेटअप है, 22 सेटअप को 30 स्टॉक के ऊपर लगाकर रखो नजर, हर रोज एक ना एक स्टॉक वर्क करेगा, हर रोज एक ना एक स्टॉक तो वर्क करेगा ही करेगा। इस तरीके से टारगेट डिसाइड किए जाते हैं। बात करें HDFC की, तो HDFC के अंदर आज भी मार्केट आप एक रेंज के अंदर रहा। देखिए आज के मार्केट के लिए तो मैंने कल ही कह दिया था कि मार्केट रेंज में फंसने वाला, क्यों फंसेगा, इसके पीछे भी एक रीजन है। फिर आप कहते रहते हो गंगाधर ही शक्तिमान है, जी गंगाधर ही शक्तिमान है, बट एजुकेशन के पीछे, क्योंकि लोगों हर बार एक चीज कहता हूं, एजुकेशन का स्टेटस उस टॉप लेवल का होना चाहिए, सामने वाला ये सोचे, उसको ये लगे कि साला क्या है, कोई तांत्रिक विद्या है क्या है, कहीं से कॉल टिप्स आ रही है। देखिए ये कोई 10th क्लास का एग्जाम नहीं है, राजस्थान का बोर्ड एक बोर्ड का एग्जाम, राजस्थान की सरकारी जॉब के एग्जाम थोड़ी, ये जो लीक हो जाएंगे पेपर लीक हो जाएंगे, ये इंडियन स्टॉक मार्केट या पेपर लीक नहीं हुआ करते, लीक नहीं हुआ करते यहां पर, लीक केवल
एक ही जगह से होते हैं, वो होते हैं महादेव। फोन करते हैं हमारे महादेव, महादेव कोई इंसान नहीं है, महादेव हमारे शिव शंभु, हमारे भोलेनाथ। तो वो कैसे करते हैं, अब पता नहीं कैसे करते हैं, बट हम उनके सेवक हैं तो हो जाते हैं। ठीक, तो HDFC के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल सुनो, ये वाला, ये बना करके चलना। लेवल है आपका 1538, ठीक है, डाउन साइड की तरफ इसको इंपॉर्टेंट रखना 1521। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। मैं क्या करना पसंद करूंगा, 1521 या 1516 के आसपास मुझे HDFC मिलता है तो मैं एक बार इसके अंदर रिस्क लेना चाहूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1506 का। ठीक, टारगेट मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला जो है 1532-30, और इसके बाद में सेकंड टारगेट होगा 1538, और इसके बाद में जो लेवल होंगे वो होंगे 1540-44 के आसपास के। तो अगर आप नए हो, पहले तो छोड़ो रे पुरानों की बात करते हैं, नए तो रुके ही नहीं होंगे यहां तक। तो दोस्तों एजुकेशन पर्पस से, अगर लर्निंग पर्पस से, देखिए मार्केट को पैसा दे रहे हो आप, एक्चुअल में बायर मार्केट को पैसा देता है लॉस के अंदर, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सीखने के ऊपर कीजिए। मेरा कहना यह है, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे, मेरा ऐप है, मैंने मेरा कोर्स बनाया है, तो मैं तो एडवर्टाइजमेंट करूंगा भाई साहब, नहीं मानू किसी से, ठीक है। तो आप यहां से सीख सकते हो, इसके साथ आपको मिलेगा देव ट्रेडिंग फैमिली के अंदर देव 3 महीने का एक्सेस, साथ में सीखने के लिए 1 साल का आपको एप्लीकेशन पर एक्सेस मिलता है। बाकी हमारा एक लर्निंग पर्पस से स्टॉक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर आप जुड़ सकते हो, हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके। और आप लोगों की शिकायत ये होती है कि आप हमें मैसेज कर देते हो यहाँ पर कि सर हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जब तक आप उसके अंदर 5 दिन वर्क नहीं करोगे फंड ऐड करके, ठीक है, तब तक हमारे पास लिस्ट में आपका नाम शो नहीं होता है। और एक्चुअल में आप क्या करते हो, जैसे अकाउंट ओपन हुआ आप हमें मैसेज करने लगते हो, सर ओपन हो गया अकाउंट, ओपन हो गया, ओपन हो गया, पर हमारे पास लिस्ट में नाम आएगा तब आप ऐड होगे। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो। हाँ, अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहीं से ज्वाइन होना है। बाकी 300-350 प्लस हमारे नाम से, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम, कई तरीके के व्हाट्सएप ग्रुप, कई तरीके के फैक इस तरीके से ओपन हो चुके हैं। तो किसी के झांसे में मत आइए, कोई अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह ये फलाना डिम का बता रहा है, या आपसे ये कह रहा है कि मैं देव सर की टीम से बात कर रहा हूँ ये, तो किसी भी तरीके की कोई टीम नहीं है, किसी भी तरीके की कोई टीम नहीं है, 1-man army है, सब कुछ मैं खुद हैंडल करता हूँ। अगर आपके पास कोई मैसेज भी कर रहा है या आ रहा है, अगर आपने मुझे मैसेज किया है किसी कारणवश से, या आपने मुझसे कुछ पूछा है, तो आपको रिप्लाई देव की तरफ से मिलेगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।